हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, केवल कहानी के पात्र काल्पनिक है। दिस स्टोरी इज नॉट फिक्शनल, इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट, ओनली द करेक्टर्स इन द स्टोरी आर फिक्शनल। जेन और मोना दोनों पति पत्नी लोगों को बुरी आत्मा से बचाने के लिए होली बुक से आत्मा को कैसे भगाया जाता है इसका ज्ञान हासिल कर बैठे थे और बहुत से लोगों की मदद भी किया करते थे। पर जब जेन और मोना को पता चला कि साउथ गोवा के एक चर्च में नन की आत्मा भटक रही है और काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचा चुकी है, दोनों ने फैसला किया कि वो वहां जाकर नन का पता लगाएंगे। फादर, हमने सुना है कि यहाँ एक नन की आत्मा भटक रही है, काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचा चुकी है। चाइल्ड, तुमने सही सुना है, वो बहुत ही खौफनाक है, आज तक कोई भी उसे काबू नहीं कर पाया है। क्या इसलिए यहाँ कोई नहीं आता? Yes, my child. आसपास के सभी लोगों को पता है, इसलिए वो नहीं आते। पर वो टूरिस्ट जिन्हें नन के बारे में कुछ नहीं पता, पास के बीच में घूमने आते हैं, तो यहाँ भी आ जाते हैं। फादर, ऐसा क्या हुआ था जो नन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई? फादर ने बताया, नन अपने असली जीवन में बहुत ही मतलबी थी, लोगों की बुराई करती थी, अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान किया करती थी, बहुत सी बुरी शक्तियों का भी इस्तेमाल करती थी। नन का मकसद था कि इस चर्च पर कब्जा करना। उसकी बुराइयां इस कदर बढ़ गईं कि जब वो उस चर्च के नीचे खड़ी हुई तो जीजस ने नन पर झूमर गिराकर उसे मार डाला, पर मरने के बाद भी वो बाज नहीं आई। तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए जिन्होंने हटाने की कोशिश की, पर वो जिंदा नहीं बच पाए। जो भी उसे हटाने की कोशिश करता है वो उसे मार डालती है। फादर, मैंने जीजस की मदद से काफी आत्माओं को वश में किया है, इसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ। मैं सुन, चाइल्ड, तुम्हें नहीं पता वो बहुत खौफनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे। फादर इतने सालों से यहाँ है, वो सब जानते हैं, वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। फादर के कहने पर दोनों पति पत्नी वहां से चले तो जाते हैं, पर जेन के दिलो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि उसे उस नन को उस चर्च से बचाना है। जेन अगले ही दिन शाम को मोना को बिना बताए चर्च चला जाता है। जब चर्च बंद होने वाला होता है तो वो एक टेबल के नीचे छुप जाता है, इधर उधर घूमता है और नन को ढूंढने लगता है। कहां हो तुम? जो भी हो बाहर आओ, मैं कहता हूं कि बाहर आओ, तुम्हें यहां से जाना ही होगा। जेन भागकर चर्च से बाहर आ जाता है। बाहर आते वक्त फादर उसे देख लेते हैं। फादर के पूछने पर जेन उन्हें सारी बात बता देता है कि कैसे जीजस ने उसकी रक्षा की। फादर, ये नन तो बहुत ही शक्तिशाली है, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की इसे भगाने की? जेन, मैंने कोशिश की पर कभी सफल नहीं हो पाया। फादर, कोई तो रास्ता होगा नन को भगाने का, ये नन तो बहुत ही शक्तिशाली है, धीरे धीरे बुरी शक्ति से सारा शहर कब्जा कर लेगी और कोई भी नहीं बच पाएगा इससे। इसको भगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, होली बुक जो पूर्वजों की है, पर उस किताब को वही हाथ लगा सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च, ये सेंटर ऑफ कैथोलिज्म गया। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा। फादर, जब मैं 7 साल का था तब अपने पिताजी के साथ गया था वहां, तो क्या मैं हाथ लगा सकता हूँ इसे? सेन माय चाइल्ड, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका मतलब जीसस ने तुम्हें चुना है इस नन को पकाने के लिए, जीसस ने तुम्हें यहाँ बुलाया है।
तुम कर सकते हो इसे ज़ेन। फादर जीसस का लॉकेट ज़ेन को देते हैं और चर्च में होली बुक की जगह बताकर उसे अंदर भेज देते हैं। ज़ेन चर्च में पहुंचकर जीसस की फोटो के पास पड़ी बुक को जैसे ही हाथ में लेता है, उसी वक्त नन सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। ज़ेन होली बुक खोलकर जैसे ही पढ़ने लगता है, आग बढ़ने लगती है और नन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। Almighty God, cancel all the evil plans of my enemies against all of us. Jesus, please, you have to break all the strength of my enemies' attack and leave them unwilling to attack all of us. ज़ेन फादर का दिया हुआ लॉकेट आगे कर जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम श्री येसु भगवते नमः, ओम श्री येसु भगवते नमः, ओम श्री येसु भगवते नमः, ओम श्री येसु भगवते नमः। मंत्र पढ़ते ही आग धीरे धीरे शांत होने लगी और नन और तड़पने लगी। ठीक झूमर के नीचे की धरती फट गई और नन हमेशा हमेशा के लिए वहां दफन हो गई।